सो हाई एवरी वन, आई एम शाइन अनीफ और आज हम स्टार्ट करते हैं आपके लेटर, फर्स्ट नेम के लेटर, जैसे कि ए बी सी डी ए टू जेड में हर फर्स्ट लेटर के लिए, ठीक है, आपके नेम के लेटर के लिए आप अपने हिसाब से देख लीजिए। जैसे कि किसी का नाम शाहीन, मैं अपना नाम ही लेती हूँ, मेरा नाम शाहीन है, किसी का नाम फरहीन है, किसी का नाम एक्स वाई जेड काजल है, ठीक है, तो उसका फर्स्ट लेटर आएगा के, ठीक है। तो मैं कार्ड्स निकालती जाऊंगी और हम ये देखेंगे कि आपका नेक्स्ट आपकी लाइफ में कौन सी डिज़ायर है जो पूरी होगी। जैसे ही आपके कार्ड्स खत्म हो जाए तो क्लिक एंड क्लेम ज़रूर कर देना कमेंट में और लाइक कर देना, ठीक है, जिससे आपकी विश जल्दी से पूरी हो जाए, ठीक है। और आपकी करंट एनर्जी भी कहीं ना कहीं मैं पिक करने की कोशिश करूँगी तो आप और ज़्यादा कनेक्टिविटी बना सको। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आपका रीडिंग। सो ओके गाइज, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेटर ए, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट लेटर ए की करंट एनर्जी, कहीं ना कहीं मैसेज कॉल के इंतजार में लगातार लगे रहे हो और कहीं ना कहीं आपके पास्ट एक्सपीरियंस को इतना ज़्यादा अपने आप में ऑब्जर्व कर लिया कि शायद आपको नया रास्ता तो मिल रहा है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूँ, इस रास्ते पे जाओ या ना जाओ। ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ, ऐसे नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप अपने लाइफ में बहुत ही बेहतर और अच्छे भी हो। कुछ लोगों की लाइफ में जैसे बोलते हैं ना, प्यार और पैसा दोनों के ही प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन आप थोड़े से वो लेवल आपका बेहतर है, प्रोफेशनल लेवल, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए प्यार की एनर्जी आई है तो हम देखते हैं कि आपका नेक्स्ट कौन सा डोर है या कौन सी विश है जो पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, तो आप जिसका मैसेज कॉल का इंतजार कर रहे हो, डबल कंफर्मेशन है कि हाँ बिल्कुल आप लोगों की बातचीत होते हुए दिखाई दे रही है। और सेकंड थिंग, प्रेगनेंसी न्यूज़ भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है और बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें रिपीटेड होती हुई दिखाई दे रही। आप ऐसा समझो कि नेक्स्ट आपका जो डोर ओपन जो हो रहा है, नेक्स्ट आपकी जो विश पूरी हो रही है, आपका मैसेज कॉल तो ठीक ही है बट साथ ही में कोई ऐसी अबंडेंस और ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। जैसे बोलते हैं ना, एक इंसान होता है जो लकीर तालों के अंदर पूरा हो और संगरों में बंधा हो और वो संगर अचानक से तोड़ के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो ये टाइप की पॉजिटिव एनर्जी है। आप ऐसे समझो कि आपके पास 10,000 का जॉब है तो शायद हो सकता है कि आपको 2,000 ऐड करके आपको 12,000 रुपीज़ का ऑफर मिल जाए, आपको इससे ज़्यादा वाला ऑफर, आपको बस जो बिज़नेस है छोटा वाला तो इससे ज़्यादा आपको ऑफर मिलना स्टार्ट हो, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी। तो दिस इज़ वेरी गुड, क्लिक एंड क्लेम। अभी हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड बी लेटर से। बी लेटर की क्या है एनर्जी आपकी? तो आपको ऐसा है कि जॉब मेरे लिए सही है या नहीं है, आपको लव लाइफ में भी आपको इनसिक्योरिटी बहुत ही हाई लेवल की, आपके पास ऑप्शन है बट आपको ये आपके पास ऑप्शन होने के बाद भी आपको ऐसा, आपके पास के एक्सपीरियंस इतने अजीब और वियर्ड है कि शायद आपको लगता है कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगी अपनी चीज़ें, अपने आप में इन्वेस्ट करूँगी तो शायद ये मेरा लव पार्टनर है, ये मेरा डेस्टिनी है, ठीक है, ये मेरा सोल मेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है, तब भी ये तो कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें कुछ काम भी होगी। इस टाइप की कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन एनर्जी है। आपके पास ऑप्शन आने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मेरे से वर्क करेगी या नहीं, कहीं ये भी चीज़ें ऐसी हुई तो। आप समझो कि बिज़नेस की बात करो तो बिज़नेस में भी आपको ऐसा है कि ये काम करेगा नहीं, पास्ट के एक्सपीरियंस के हिसाब से कहीं ये चीज़ें भी बंद ना हो जाए, ठीक है, ये जॉब भी कहीं मेरी छूट ना जाए, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। अब आके बंद करके आप अपने आप में आगे बढ़ते हुए ऐसा लग रहा है कि दिखाई तो दे रहा है, चलो ठीक है जाते हैं, लेकिन आपका दिल नहीं है, ठीक है। तो ये है आपकी एनर्जी। तो हम देखते हैं बी के लिए क्या है। ओके ओके, सो सिंपल सी बात है, एक बात तो क्लियर है। नेक्स्ट आप, ठीक है, जो आपका डर था वो सामने ज़रूर आएगा, ठीक है, बट उस चीज़ों का बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहा हूँ। अभी समझो कि मुझे ये पेन चलाना है, मुझे पता है कि ये शायद बंद हो सकती है बट शायद मेरे को सिग्नेचर करते वक्त गलती से भी अटक गई तो शायद ये फॉर्म लास्ट ही है मेरे पास, ठीक है, बट मैं अटक गई तो शायद मेरे को फॉर्म दूसरा नहीं मिलने वाला। ओके, तो आप उस चीज़ में पढ़ोगे भी कि हाँ चलो ठीक है और कोई ऑप्शन भी नहीं है तो मुझे जाना है, तो वो चीज़ों में आप पढ़ोगे भी। शायद आपका बिजनेस नहीं चला, आपको नया स्टार्ट करना है, लेकिन आप उसमें स्टार्ट करोगे, आप इसमें रिस्क लोगे और सक्सेस भी होंगे, ठीक है, आपको अच्छी डील मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप लव रिलेशनशिप को जोड़ते हुए देखती हूँ तो आप बहुत लोग चोरी छुपे अपने पार्टनर को देख रहे हैं, शायद ब्लॉक होंगे एंड ऑल, तो आपके इनसे मिलने का हो रहा है, ठीक है, आपके साथ बैलेंस बनती हुई एनर्जी मिल रही है। ओके, सो क्लिक एंड क्लैक। सो हम स्टार्ट करते हैं लेटर सी। ओके,
छोटे से कार्ड्स भी ले लिए मैंने। सी लेटर के लिए क्या है आपकी एनर्जी? बहुत सारे लोग अपना खुद का फैमिली, एक बोलते हैं ना, एक परफेक्ट फैमिली के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और आपको लगता है कि ये जो बार बार एंजल्स नंबर्स दिख रहे हैं मुझे, मतलब एक समझो ना, मैं इस बात की बात ही नहीं करूँगी एंजल्स नंबर्स है ना, आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें रिपीटेड हो रही हैं मेरे साथ, ठीक है। ये चीज़ों का साइकिल मुझे ख़त्म करना है। अभी मैं नॉर्मली बोलूँ कि आपके पास देखो, आपको चाहिए फैमिली भी, अच्छी फैमिली, हेल्दी फैमिली, लाइफ वाली फैमिली, लेकिन आपको पैसों का प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। आप ऐसे समझ लो कि कहीं ना कहीं आपको छोटा मोटा नुकसान भी होते हुए दिखाई दे रहा है लास्ट टाइम। अभी ये आपकी पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। अभी की एनर्जी मतलब अभी तक की आपके वीडियोस देखा, इसके पहले वाली एनर्जी हो सकती है, एक भी लास्ट वीक या लास्ट मंथ या आपकी ज़िंदगी से जैसे कनेक्ट हो। आप ऐसे समझो कि आपने कुछ स्टार्ट किया है बिजनेस, या तो आप डिवोर्स ही हो सकते हो, ठीक है। ऐसे सब मतलब बहुत मिक्सिंग, आपने जो एक लड़की या लड़का, एक होता ना परफेक्ट फैमिली, मेरी ज़िंदगी में खुशी, हैप्पी फैमिली, आपने वो सोचा ना। आपकी जगह पे मैं होंगी तो मैं भी यही सोचूंगी, सिंपल सी बात है। मेरे भी बहुत ऐसे ड्रीम होंगे कि हाँ मुझे भी एक परफेक्ट फैमिली चाहिए, आप भी ऐसे ड्रीम करते हो, ठीक है। बट आप कहीं ना कहीं वो चीज़ें अभी तक वो नहीं मिली आपको, ठीक है। तो आपको ऐसा था और बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आए लेकिन शादी तक वो बात पहुँची नहीं, या तो आपका शादी तक रिश्ता जाता ही नहीं है, या तो फिर आपको हो सकता है कि आपको जॉब मिलते मिलते रुक जाती है, प्रॉब्लम यहाँ पे आता है। ओके, तो सी लेटर एक मिनट में क्लिक कर दूँ गाइस, नहीं तो मैं भूल जाऊँगी, ठीक है। अभी हम सी लेटर के लिए देखते हैं कि क्या रिसीव कर रहे हो। ओके, ओह माय गुडनेस, वाओ। ओके, देखो गाइस, एक बात तो क्लियर है, ठीक है। आप जिस भी इंसान से प्यार वाले रिलेशनशिप में डील कर रहे हो, ठीक है, ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन को कनेक्टिविटी बनाता है। अभी बहुत सारे ऐसे कार्मिक लोग आपकी जिंदगी से ख़त्म हो जाएंगे, और ये कार्ड के साथ, ठीक है, इस कार्ड को मैं कनेक्ट करती हूँ, समझो इस चीज़ को, या तो इस कार्ड को मैं और कार्ड के साथ भी कनेक्ट करती हूँ, या कोई भी कार्ड, ये इतनी पावरफुल एनर्जी है। आप समझो ये जो कार्ड है, इस कार्ड को मैं इस कार्ड से भी कनेक्ट करती हूँ, ये इतनी पावरफुल एनर्जी है आपके साथ, आपके अंदर आपका ऑरा इतना क्लियर हो जाएगा कि आप ये समझ लीजिए कि आपके पास एक पॉजिटिविटी के अंदर एक स्ट्रांगनेस आ जाएगी, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ोगे, लेकिन एक माइनस पॉइंट के साथ, ठीक है। आपके अंदर वो ईगो प्रॉब्लम आ जाएगा। अभी प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो लव लाइफ के साथ, जिसके साथ आप डील करते थे, कहीं ना कहीं वो भी एक ईगोस्टिक बंदा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आप उनके जैसा ही एक बिहेवियर क्रिएट कर दोगे, तो वो मत करिएगा, ठीक है। वरना आपकी ज़िंदगी में आप कुछ नेक्स्ट स्टार्ट करना चाहते हो, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपने ही शहर से दूसरे शहर में जाते हुए दिखाई दे। आप अपनी ज़िंदगी में आप इंस्टाग्राम बनाते हो, यूट्यूब करते हो, या कोई भी सोशल नेटवर्क पे हो, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि नेक्स्ट आपका ग्रो है। जो आपका आज से 2 से 3 साल पहले एक ऐसा मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आया था, ठीक है, या समझ लो 4 साल पहले, 3 से 4 साल पहले, इससे ज़्यादा नहीं, 3 से लेकर 4 साल पहले एक ऐसा मोमेंट आया होगा आपकी ज़िंदगी में जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एंड ग्रो वाला होगा। वो एक ऐसा मेमोरियल होगा आपकी लाइफ में, जिससे आपका नेम, फेम, मतलब समझो कि आप एग्जांपल दूँ तो आप नॉर्मल सेल्समैन की जॉब करते थे, अचानक से आपका ग्रो हो गया इस टाइप का, ठीक है। तो बहुत लाल नेम वाला भी नहीं, आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हो। जो आपके साथ ये हुआ है, तो आप ये समझ लो आपका नेक्स्ट चैप्टर वही है कि जहाँ पे नेम फेम स्टार्ट हो, जहाँ पे वही चीज़ें क्लियरली गोल घूम के आ रही है, ठीक है। ऐसे ऐसे चैप्टर आएंगे आपके सामने, ऐसे ऐसे सॉलिड ऑप्शन आएंगे, ऐसे लालची लोग भी आपके सामने आएंगे, तो उससे आपको बचना है, ओके। आपका नेक्स्ट चैप्टर में आप कहीं ना कहीं अपने ही जिस पार्टनर को आप मिस करते हो, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो चुकी है, बहुत उतार चढ़ाव है, तो आप उनसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। आप लोगों का रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहे हो, तो आप ये चीज़ें रिसीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। बट मैंने आपको जो माइनस पॉइंट बताया, प्लीज़ उस पर ध्यान देना। ओके, क्लिक एंड क्लीन। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं डी। ओके, सो डी आपकी एनर्जी क्या है, डी लेटर वालों की एनर्जी क्या है, हम वो देखते हैं। ओके, सो आप बहुत सारे लोगों को ऐसा डर है कि कहीं ना कहीं डिवोर्स हो जाएंगे,
ये घर मेरा टूट जाएगा, किसी आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान एंट्री हुआ है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपको डर लगता है कहीं मेरा घर संसार इसकी वजह से कहीं टूट ना जाए, या उसकी मेरी वजह से किसी का घर ना टूटे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको अभी आप ये चीज़ों को नॉर्मली शादीशुदा ज़िंदगी का ना होते हुए नॉर्मल लाइफ को भी मैच करते हो, ठीक है, तब भी यहाँ पे यही है कि आपको डर लगता है कि ये बंदा कहीं शादी ना करे, ये कहीं मेरे से आगे ना पहुँचे। ठीक है, अभी मैं नॉर्मली देखो प्रोफेशनल लेवल में तो बहुत सारे लोगों की जॉब नहीं हो सकती, या तो अपनी जॉब में कहीं ना कहीं बहुत ही नेगेटिव वातावरण, बोलते हैं नेगेटिव सबकी ऑरा बहुत आपको नेगेटिविटी फील कर, शायद आप उस चीज़ों में काम करना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये है आपकी एनर्जी, तो हम देखते हैं आप क्या रिसीव करते हैं। क्या बात, आपके पास दो ऑफर आ रहे हैं, आप ऐसे समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी में कोई एंट्री हो रहा है, या तो कोई अच्छा जॉब और एक नहीं दो ऑफर आएंगे। ठीक है, जॉब है तो दो ऑफर आएंगे, और लव लाइफ है तो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में कोई एक और भी एंट्री हो रहा है, वहाँ पे आप कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हो। इसके चलते हुए पास्ट से जो आपको बहुत ज़्यादा भरा हुआ है ना दिल में कि यार ये ऐसे क्यों कर रहा है बंदा, वो सब ऐसे क्यों है, ये बंदी ऐसे क्यों है, तो कहीं ना कहीं आपको क्लियरली रास्ते मिलना स्टार्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि आप आगे किसी और के साथ बढ़ जाओगे, ऐसा नहीं, आपको माइंड में क्लियरिटी होगी कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, वो तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन मैं और भी देखती हूँ क्या रिसीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। माय गुडनेस, सच ग्रेट यार, सच ग्रेट, आपके पास सच में ऑप्शन आ रहे हैं, भर भर के ऑप्शन आ रहे हैं, एक दो नहीं बहुत सारे ऑप्शन, आप ऐसे समझो चिराग आपको मिलना वाला है। ओके, सो आप सच में बहुत कंफ्यूज होते हुए, और मुझे सच में हंसी आ रही, और आपके साथ अक्सर ऐसा होता है, आप समझो एक चीज़ लेने जाते हो तो आप चार पांच कपड़े निकाल के रख देते होंगे, अरे मैं इसमें से कौन से सेल में से लूँ, अभी सारे कपड़े इतने अच्छे लगते हैं, घर पे आके आपको एक भी पसंद नहीं आएगा, ये चीज़ों का ऑप्शन रहता है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। ओके, सो देखते हैं। बिल्कुल, तो ये जो चीज़ें थी ना कहीं आप ऐसे समझ लो एक बहुत अच्छी बिल्डिंग है, लेकिन बाहर तो इतना खूबसूरत है, लेकिन आप इतने खूबसूरत हैं, लेकिन दिल के अंदर बड़ा तेज सा तूफान रहता है आपका, आप ऐसे समझो एक बड़ा सा पत्थर लोगे और उसे तोड़ दोगे पूरी तरह से। ठीक है, एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो आपकी ज़िंदगी, बहुत बेहतर, जस्ट ऑसम। ठीक है, सो हम स्टार्ट, अच्छा क्लिक एंड क्लेम। ओके, हम अभी देखते हैं ई। ओके, सो देखते हैं ई के लिए क्या है आपकी एनर्जी। मैं शादी करूँ कि ना करूँ, ये बंदा आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया है, ये चीज़ें होगी या नहीं होगी, बहुत ज़्यादा सोचते हो ना। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये हर रोज़ की कहीं ना कहीं, मुझे लगता है ना कहीं ना कहीं आप ना रेगुलर मेरे रीडिंग देखते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी की तरफ बहुत बड़े दिलों से शिद्दत से प्यार किया है आपने, बड़े दिल से शिद्दत से प्यार किया है। ओके, नॉर्मली ऐसा बोलो किसी की बेइंतहा मोहब्बत करने वाली एनर्जी है, यहाँ पे जो एनर्जी है बस प्यार वाली एनर्जी है। प्रोफेशनल लाइफ की मैं देखती हूँ, आपको ये लगता है कि ये बंदा ये बंदी मेरे से शादी कर लेगी, जैसे समझो मेरा लक्की चार्म बन जाएगा। ठीक है, और आपके पास आपकी फैमिली मेम्बर में से भी कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आपके पास से किसी की एंट्री हुई है, या तो आपके पहले वाले जॉब की ऑफर्स आ रही है, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, जहाँ पे आपको लगता है कि मैं इसके हिसाब से मैं काम नहीं कर सकता, मैं इनके साथ जा नहीं सकता, मेरे से सोल कनेक्शन है, ये मेरा टीम प्लेम है, ये मेरा सोलमेट है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, इस तरह से एनर्जी, बच्चे वाली एनर्जी, बड़ी बच्चे वाली एनर्जी है। ठीक है, सो ये आपकी एनर्जी है, तो प्लीज़ गाइस इसे कंटिन्यू रखिए। हम देखते हैं कि ई लेटर वाले के लिए क्या रिसीव होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, सो हम देखते हैं ई के लिए क्या है। यू नो व्हाट, कार्ड भी बड़े मैजिकल होते हैं। कंफ्यूज होना, कौन सी चाबी मैं हाथ में लूँ, कौन सी चीज़ करूँ, मैं क्या करूँ, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट चीज़ में ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही। और इवन आपके अंदर जो एक अजीब से जलन और गुस्सा था, और इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये जॉब के अंदर मुझे प्रमोशन क्यों नहीं, मेरी ही गलती, मैंने बिजनेस में ये काम क्यों नहीं किया, ये सारी चीज़ों आप बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे। ठीक है, ये तो रही बहुत पॉजिटिव की। अभी मैं नेगेटिव बात में आपको बोलूं तो आपको एक ही चीज़ बोला जा रहा है, देखो
आपको एकदम क्लियर बोलूँ तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई भी स्पेल ट्राई करने से पहले, ठीक है, थोड़ा समझ के, सोच समझ के करिएगा, ठीक है। और सेकंड थिंग, कोई भी ऐसे तैसे मंत्र जाप मत करिएगा जिससे आपको साइड इफेक्ट सीधा होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे साफ लफ्जों में यहाँ पे ये है, ठीक है, आपको ही हिम्मत करनी पड़ेगी। आप रेगुलरली रीडिंग सुनते हो लेकिन इस पर अमल भी करना स्टार्ट करो, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप क्या करते हो ना, बातें ऐसे सुनती हो जो नेगेटिव होती है, ठीक है, और एक्चुअली जो पॉजिटिव चीज़ें होती है ना वो यहाँ तक, अब पूरा फेस आप समझो इतने वाले हिस्से में आपका यहाँ पे है आपका सभी पॉजिटिव, ठीक है, ये सारे एरिया में आपका नेगेटिविटी सुनाई देती है और इसके चलते हुए आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा कन्फ्यूज पैदा कर देते हैं, ठीक है, तो वो मत। ओके सो ओके क्लिक एंड क्लेम, हम चलते एफ। ओके सो एफ लेटर वालों के लिए बहुत सारी चीजें उतार चढ़ाव में हैं। आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं, शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोग डिवोर्सी हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझ पे ब्लैक मैजिक किया गया है, बहुत सारे लोगों को सपने में पानी बहुत दिखाई दे रहा है, दरिया किनारा वो सब चीज़ें, ठीक है, आपको ऐसा आपको लगता होगा कि मेरे साथ ओवर थिंकिंग बहुत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। और आपकी लाइफ में अभी अभी कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा कि पहले की ज़िंदगी से अचानक से आप समझो, एग्जाम्पल देती हूँ, एक डॉक्टर होता है, एक एडवोकेट होता है, बहुत ही अच्छी पोजिशन होती है उनकी, ठीक है, बट वो अभी जाके एस्ट्रोलॉजर बन जाए तो कहाँ हुआ, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कहाँ, दोनों का बहुत अपोजिट है, दोनों अपनी अपनी जगह पे अपोजिट है। ओके तो यहाँ पे कुछ ऐसा आया है कि जैसे कि एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन। ओके आपको ये डर था, बहुत सारे डर खत्म हुए, वहाँ से आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ भी गए, ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे। अब उतार चढ़ाव होते हैं नॉर्मल है, एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत कम होते, बचपन अच्छा जाता है, सब कुछ ठीक है, थोड़े मोटे एक्सपीरियंस सबके साथ होते, लेकिन आपके साथ कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक जॉब से दूसरी जॉब में गए और अच्छी सैलरी वगैरह मिली, इस टाइप की। प्यार के अंदर भी हो सकता है डिवोर्स हुआ, एक लव स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा स्टक हो, बहुत दिलों सिद्धा से किसी से प्यार किया और दो तीन साल आराम से आपने निकालो, अचानक से किसी बंदे की इंटरव्यू और आपकी ज़िंदगी में पूरा ट्विस्ट हो गया, अचानक से आपने एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखना स्टार्ट किए, ये सब चीज़ें, ठीक, तो एक वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर काम करता है। अचानक से आपके लॉन्ग हेयर है, ठीक है, अचानक से आपने अपना हेयर स्टाइल पूरा चेंज कर दिया किसी बंदे के आने की वजह से, आपने बहुत अच्छी चीज़ें एकदम ट्विस्ट कर दी है पूरी। ओके इस टाइप की एनर्जी तो आपके लिए मैं देखती हूँ कि आपके लिए नेक्स्ट रोड यानी नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होते हुए दिखाई दे रहा है, क्या लाइफ में एंट्री हो रही है। आप बहुत ज़्यादा और प्रैक्टिकल बनने वाले हो, एक्चुअली आप पहले हवा में गोली मारने वाले काम करते थे ना, हवा में चाबी घुमाने वाले काम, वो ख़त्म होने वाले वो तो मैं भी चाहती हूँ इसका हम कुछ नहीं कर सकते, थोड़े खाली फुलाव तो हमारा हक होता है, ठीक है। सेकंड थिंग, ओके सेकंड थिंग, आप अपनी सोल पर्पस की तरफ जाने वाले हो। और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, आपके काम में कुछ क्रिएटिविटी थी, कुछ ऐसा था जो आपके काम रुकावट से आ रहे थे, तो उस काम को आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वो आपको ऐसे समझ लो कि जो काम के, जैसे किसी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टार्ट किया है, कोई मशीनरी बनाई है, तो आपको कोई समझो कि एक स्क्रू नहीं मिल रहा था, बहुत वक्त से ट्राई किया, तो अचानक से वो स्क्रू का एड्रेस मिल जाएगा, आप वहाँ से ले लोगे। जस्ट एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, कोई दवाई, आप बीमार हो, आपको कोई दवाई का नहीं मिल रहा है, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं व्हाट कैन आई डू, अभी तो मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ भी असर ही नहीं होगा, मुझे स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे तो वो सारी चीज़ों का एक अचानक से रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं। अभी एक और चीज़ आपको ये बोला जा रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक पिंजरे में पंछी कैद है, ठीक है, वो पिंजरे में पंछी कैद है, बंदा आपको बोल रहा है भाई तू उड़ जा, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़, तब भी आप डर के मारे पिंजरे में बैठे रहोगे, बस ये मत करो, ठीक। ये है आपके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट। वैसे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही, लेकिन 10% भी आपकी ज़िंदगी में चीज़ रहे तो फिर कोई मतलब नहीं ना, हमें चाहिए तो 100% चाहिए, हम इंसान तो हैं, लालची तो हम भी होते हैं, ये भी थोड़ी हर इंसान होता है, ठीक। तो क्लिक एंड क्लेम, ओके
हम चलते हैं जी। तो आपको तो बहुत सारे ड्रीमिंग है, बहुत सारे ड्रीमिंग आते हैं, और मेरे हिसाब से आप अपने पार्टनर के भी बहुत ज़्यादा ड्रीम देखते हो। ऐसे समझो कभी कभी पार्टनर के तो ड्रीम देखते हो, लेकिन कभी कभी आपको डरावने सपने, आजकल लास्ट 2 या 3 मंथ से आपको डरावने सपने बहुत ज़्यादा दिखते होंगे। अचानक से नींद में चमक जाना, ये चीज़ें होती होगी आपके साथ, ठीक है। और आपको ये भी डर लगता है कि कहीं ना कहीं मुझ पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, नज़र लग गई है मेरी ज़िंदगी, मेरी कुंडली अच्छी नहीं है इस टाइप की, और आपने कहीं ना कहीं से इलाज भी करवाने की कोशिश की। मैं और देखती हूँ तो बहुत कम लोगों से कनेक्ट हो सकता है, लेकिन मुझे और भी लोगों की एनर्जी देखनी पड़ेगी। आपका कोई ऐसा रिश्ता है जिससे आपको डर लगता है कि परमानेंटली ख़त्म हो गया है, और फाइट होके ये चीज़ें मूव ऑन हुई है, ठीक है, और आपको अभी डर है। उस वक्त आपने बड़े जोरों शोरों से चिल्ला चिल्ला के बोला कि चलो भाई निकलो यहाँ से, या बहन निकलो यहाँ से, ठीक है, चिल्ला चिल्ला के बोला। लेकिन यहाँ पे आपको अभी आपको ऐसा है कि ये रिश्ता नहीं जाना चाहिए था मेरी जिंदगी से, ठीक है। और सेकेंड आपकी प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात करती हूँ, लास्ट मंथ से अभी तक शायद आपके किसी से, आपके मैनेजर से, ठीक है, कलीग से, काम के सिलसिले से, और बड़े वाले प्रोजेक्ट की वजह से कहीं ना कहीं जलसी के मारे, कहीं ना कहीं उनकी जलसी के मारे, कहीं ना कहीं आपका काम खराब हुआ है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। हो सकता है कि आपने दूसरी जॉब तलाश भी की हो, और आपको ये जजमेंट की वजह से ये चीज़ें तो आपने उस वक्त कर ली, लेकिन अभी आपको डर लग रहा है कि ये जॉब मेरे लिए, अभी जो दूसरी जॉब ढूंढी है, या मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या ये चीज़ें होने वाली है, क्या मैं दूसरी जॉब पे चला जाऊँगी या चली जाऊँगी, इस टाइप की एनर्जी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आप आगे क्या रिसीव करते हुए दिखाई दे रहे हो गाइस। बहुत प्यारा सा सीन, बहुत परफेक्ट। आप ऐसे समझ लो आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है, आपकी जॉब से प्रमोशन मिल सकते हैं, कोई आपको गिफ्ट दे सकता है, आपका बर्थडे आ रहा है तो आपका कोई गिफ्ट दे सकता है, ठीक है। मुझे गिफ्ट वाली एनर्जी ज़्यादा आई, और महंगे वाली गिफ्ट, शायद गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, महंगा सस्ता कुछ नहीं होता, लेकिन अच्छी वाली आज तक के सबसे डिफरेंट गिफ्ट होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके ख्यालों में, ठीक है, जो है वो बंदा आपके साथ आएगा, आपके पास आएगा, आपसे बातचीत करेगा, और फिर से वो चला भी जाएगा, ठीक है, बट वो फिर से भी आएगा, तो इस चीज़ का टेंशन मत लेना, ठीक है। जाता है, चुपचाप रहना, शांति से। लव लाइफ की बात हुई, ओके। सेकंड थिंग, ड्रीमिंग देखते हो, ठीक है, ड्रीमिंग देखो, ड्रीम जो आते हैं ना, जो अच्छे वाले ड्रीम, तो बहुत ज़्यादा आप इसको सोचते रहते हो, जिसकी वजह से आपको वही लेवल का एंजाइटी होने लगता है कि ड्रीम तो आते हैं लेकिन वो कहाँ सच होते हैं, ड्रीम तो ड्रीम होते हैं। तो उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं, ऐसे नॉर्मली मैं देखो तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा वेब सीरीज़ वगैरह देखते हो, तो उस चीज़ जैसे हम देखते हैं ना, वही चीज़ों में हम रहने की कोशिश करते हैं, तो आप वही ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आप हो डिफरेंट पर्सनैलिटी, ठीक है, बट आपकी यही माइनस पॉइंट कहीं ना कहीं आपके आने वाले ग्रो में माइनस दे रही है, ठीक है, आपको तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आप ये चीज़ों से जैसे वेब सीरीज है वगैरह सब देखो, एंटरटेनमेंट होना चाहिए हमारी जिंदगी, लेकिन ओवर नहीं, जो आप ये चीज़ों को थोड़ा सा ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में थोड़ा टाइम निकालते हो, ठीक है, वैसे तो आप टाइम दे ही रहे हो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन थोड़ा सा कम करो, ठीक है। वैसे तो आपकी ज़िंदगी में आप रिसीव करते हुए दिखाई दे रहे हो, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, ट्रांसफॉर्मेशन होना ही है, उसको कोई नहीं रख सकता, बट एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसको 10 रुपये मिलता है, और एक आपको किसी ने बोला होगा कुंडली में कि आपकी कुंडली में तो बहुत ज़्यादा ग्रो है, आपकी कुंडली में तो बहुत ज़्यादा पैसा है, बट वो पैसा है कहाँ पे, ठीक है,
तो वो क्या है इसके हिसाब से आपको मिलेगा, लेकिन जो माइनस चीजें हैं ना उसको खत्म करनी पड़ेगी, तब जाके वो चीजों के ऊपर आप वर्क करोगे और वो चीजें आपको मिलेगी। ग्रो है, ट्रांसफॉर्मेशन है, बट आपको जहाँ पे 50 रुपीज मिलना चाहिए वहां पे आपको 20 रुपीज मिलेगा, या फिफ्थ समझो 45 रुपीज मिलेगा, तो वो सही है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल है, सो बहुत ही बेहतर है, थोड़ा सा अपने पर ध्यान दो। आप ऐसा समझ लो बहुत सारे लोगों की शादी वाली जो था ना, शादी हो जाए मेरी, मेरी लाइफ में भी कोई और ग्रो, मेरी लाइफ में कोई अच्छा सा बेस्ट फ्रेंड मिले, या मेरी लाइफ में कोई अच्छा सा एंटरटेनमेंट मेरी जिंदगी में हो, पर मैं भी बहुत ज़्यादा जाकर बाहर से जाकर पार्टी शार्टी करूँ, मेरे पास इतना पैसा, ये टाइप की एनर्जी मिल रही है। कहीं कोई कार खरीदते हुए दिखाई दे रहा है, कोई किसी को बेबी होते हुए दिखाई दे रहा है, आप ऐसा समझो कि गुड न्यूज़ मिलते हुए दिखाई दे रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट थोड़ा सा माइनस में जरूर है क्योंकि आप ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हो और उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं डाउन फील होता है, वो सही है, ठीक है। तो ये रही आपकी एनर्जी, और आप क्या रिसीव करते हुए क्या दिखाई दे रहे हो। ओके, सो क्लिक एंड क्लीन, बाय।